गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे पुदीने के फ़ायदे और पुदीने की से टी कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एक पौधा मैं बाज़ार से लेके आया था और मेरे टेरेस पे मैंने लगाया था तो अच्छा सा ग्रोथ हुआ, और इस वो जो मैंने प्लास्टिक के पौधे में अक्सर लगाता हूँ वो आपको पता ही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इससे क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। पुदीने का उपयोग विभिन्न प्रकार की चटनी और सब्जियों में किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं जिससे इंसान फुर्तीला और स्वस्थ रहता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। गर्मियों में इसका शरबत बनाकर हम गर्मी में लू से बच सकते हैं, और पुदीने में अनेक रोगों को जड़ से उखाड़ने की भी क्षमता है। तो मैं आज आपको ले जाता हूँ खुशबूदार पुदीने की अलौकिक और चमत्कारिक दुनिया में। पुदीना में काला नमक और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर पीने से शरीर को अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। इनकी पत्तियों को पीसकर अगर हमें चोट लगती है या कोई भी घाव हो तो शीघ्र ही लाभ होगा। स्किन डिजीज को अच्छे करने के लिए पुदीने के रस में पानी मिलाकर लगाने चाहिए तो स्किन डिजीज इससे ठीक हो सकते हैं। रात के खाने में के बाद 2 से 5 पत्ती पुदीने के खाने के बाद पानी पीने से पेट में रहते कीड़ों को भी छुटकारा प्राप्त होगा। लहसुन, नमक, अदरक और पुदीने की चटनी बनाकर भोजन में खाया जा सकता है जिससे डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और भूख भी अच्छे से लगेगी। काला नमक, काली मिर्च और पुदीने का काढ़ा बनाकर पीने से जुकाम, बुखार और खांसी भी ठीक हो जाती है। अब देख सकते हैं कितना हरा भरा है। पुदीने का रस पीने से या पत्तियाँ खाने से हिचकियाँ आनी भी बंद हो जाती है। ऑयली स्किन को दूर करने के लिए बड़ा सा चम्मच दही, 1 चम्मच ओटमील और 1 बड़ा सा चम्मच पुदीने का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाया जा सकता है तो इससे ऑयली स्किन की भी समस्या दूर हो जाएगी। हड्डियां मजबूत करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पुदीने की पत्तियों का सेवन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। इसमें गार्डन सॉइल ही मैंने यूज़ किया था, गार्डन सॉइल, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा काउडंग। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे टी कैसे बनती है। तो चलो पहले तोड़ लेते हैं इसकी पत्तियाँ। आप देख सकते हो कितनी सी अच्छी और खूबसूरत दिख रही है। इसकी जो सुगंध है, इसकी सुगंध आप एक बार लोगे तो आपका ब्रेन, मतलब आपकी पूरे बदन में एक अच्छी सी ऊर्जा का संचार होगा। तो चलो पहले तोड़ लेते हैं। इतने ठीक है एक ग्लास चाय बनाने के लिए। आप इससे ठंडी चाय भी पी सकते हो और गर्म चाय भी पी सकते हो। तो चलो हम इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ये नींबू, एक ये शहद है जो हमारे घर में होता ही है, और उसके पीछे ये आप देख सकते हो पुदीना जो मैंने अभी तोड़ा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, गर्म सा पानी लिया, पानी में थोड़ी सी सूखी चाय को उबाल कर उसको छान लिया और दूसरे से ग्लास में मैंने ले लिया। तो उसको मैंने नहीं दिखाया लेकिन वो जो ग्लास में पानी है ये वही है। तो इसमें चलो अभी 1 चम्मच हनी डालते हैं। देखिए कितना सा अच्छा दिख रहा है हनी भी, और ये डाल दिया। हनी के बाद नींबू काटेंगे, नींबू का 1 चम्मच जैसा रस भी मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप तज भी डाल सकते हो स्वाद के लिए, लेकिन मेरे को वो इतना पसंद नहीं है तो मैंने वो नहीं ऐड किया था। कई लोग क्या करते हैं कि पानी में ही पुदीने को गर्म करके वो ही पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, तो वो भी ठीक है, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी स्लाइसली डिफरेंट काइंड ऑफ चाय है तो इसका टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है, मैं अक्सर इसको पीता हूँ। तो थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर देते हैं। नींबू को ऐड कर दिया। नींबू को ऐड करने के बाद ये चाय वाला पानी, सूखी चाय वाला पानी, इसको ऐड करता हूँ गर्म पानी। आप देख सकते हो इसका कलर, जब इसमें पानी ऐड होता है और जो नींबू ऐड होता है और पुदीने को जब हम शेक करते हैं चम्मच से, तो इससे जो खुशबू अभी आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी खुशबू कितनी लजीज है। तुरंत आपको पीने का मन हो जाएगा। 1 दिन में 2 बार नॉर्मल आदमी ये चाय को पी सकता है, और इसका जो बेस्ट टाइम रहता है वो डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन फिर भी मैं शाम को इसको प्रीफर करता हूँ 3 o'clock को, जिससे हम हमारी जो दिन की दिनचर्या होती है, काम से थके हुए रहते हैं तो स्फूर्ति मिलती है। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। थैंक यू।